बिहार में जो भी पुल गिरे हैं उसके प्रति बिहार की सरकार बहुत ही तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ ली है। पुल के गिरने का वजह और उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे, राज्य सरकार, बिहार सरकार उस पे कार्रवाई करेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सीडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनंदन समारोह में सभी केंद्रीय मंत्रियों को सम्मानित किया जाएगा, तो वहीं इन सब के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का आगमन पटना हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए नजर आए नित्यानंद राय। बता दें आपको कि हाथरस मामले को लेकर दुख व्यक्त करते हुए नजर आए, तो साथ ही साथ यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे पूरे मामले की जांच चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। जो भी सहयोग होगा वो केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। इसी के साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया पुल गिरने के मामले को लेकर, तो इस पर विपक्ष पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि जो कोई भी इस मामले में दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिस किसी की भी लापरवाही इसमें संलिप्त होगी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को कर क्या कुछ कहते हुए नजर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। पहले आप यह पूरा बयान सुने। आइए, आप लोग का भी स्वागत है वहाँ। देखिए, वह बहुत दुखद है और संवेदनशील है और उस पे घटना की पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है और जब तहकीकात के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर निश्चित रूप से राज्य सरकार निगरानी रख रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस घटना के प्रति अति संवेदनशील है और जो सहयोग केंद्र सरकार से होनी चाहिए वो उस समय प्राप्त भी कराई गई है और जो जांच में जो तथ्य आएंगे उस पे जरूर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। बिहार में पुल गिर रहे हैं। हाँ, बिहार में जो भी पुल गिरे हैं उसके प्रति बिहार की सरकार बहुत ही तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ ली है। पुल के गिरने का वजह और उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे, राज्य सरकार, बिहार सरकार उस पे कार्रवाई करेगी। पुल गिरने के मामलों को लेकर नित्यानंद राय का बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि इस पूरे मामले की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिहार की सरकार इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से करवा रही है। जो कोई भी इसमें दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। किसकी लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है इस पर समीक्षा की जा रही है। इसी के साथ साथ हाथरस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।